सबके भाई सबकी जान, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का आज है डे नंबर 9। और आज का हम सबको बेसब्री से इंतजार था क्योंकि आज है सेकंड सैटरडे। तो क्या इस सेकंड सैटरडे को जो इसकी डिजायर जंप था वो इस फिल्म को देखने को मिला है या नहीं? कुछ और न्यूज शो काउंट्स को लेकर, वो क्या आई है, नंबर्स क्या आए हैं, कल का प्रेडिक्शन क्या है और किस तरफ गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो पहले बात करते हैं हम सलमेनिया की, जो बहुत लोग बोलने लग गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता इस मूवी का, अब ये मूवी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, निबट गई है। उनको एक करारा जवाब मिला है आज के दिन, क्योंकि आज की जो प्रेडिक्शंस थी वो प्रेडिक्शंस ही बहुत ज़्यादा बेटर थी कल से। कल डे नंबर 8 था, हम सभी जानते हैं डे नंबर 8 पर जिस तरीके के नंबर्स आए थे और उससे पहले भी वीकडेज पे जो भी चल रहा था उसको देखकर सब काफ़ी हैरान परेशान थे कि भैया अब कहाँ जा रहे हैं, अब क्या होने वाला है। तो हेटर्स को एक करारा जवाब देती हुई ये फिल्म किसी का भाई किसी की जान जो है एक ऐसे नंबर पर आ गई है अब कि बस थोड़ा सा फासला बचा है और अपना डोमेस्टिक इंडिया नेट नंबर जो 100 करोड़ की सबको बहुत चाहत हो रही है वहां तक ये फिल्म पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो क्या नंबर आया है वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं क्या सुधार आया है, क्या इंप्रूवमेंट आया है ऑक्यूपेंसीज में। देखिए कल जो ऑक्यूपेंसी थी वो काफ़ी चिंताजनक थी, वो देख कर लग रहा था कि पता नहीं सैटरडे संडे आएंगे तो भी कुछ होने वाला है या नहीं। लेकिन मैंने आपसे शुरू से मेंटेन रखा था और कहा था कि ये फिल्म आज के दिन जंप जरूर दिखाएगी और वो चीज होती हुई नजर आई है। तो आज की ऑक्यूपेंसी जो रही है, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 6.3%, कल थी ओनली 5%, आज थोड़ा सा सुधार इसमें आया है। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी में बहुत अच्छा चेंज आया है, कल सिर्फ 8.7% थी, आज है 11.69%। बात करें इवनिंग ऑक्यूपेंसी की, कल 11.6% थी और आज इवनिंग ऑक्यूपेंसी 13.9% है। मैं करूंगी अगर नाइट की ऑक्यूपेंसी की, जो अभी तक आई नहीं है, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करें तो 8:10 हो रहे हैं लेकिन अभी तक नाइट की ऑक्यूपेंसी का नंबर नहीं आया है। मेरी प्रेडिक्शन है कम से कम 15-16% तक जा सकती है, उससे आगे भी जा सकती है। क्यों कह रही हूं वो भी बताती हूं अभी आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शो काउंट्स की, जो लेकर काफ़ी चिंता हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि यार शो काउंट्स इतने कम हो गए हैं, एवरेज टिकट प्राइस काफ़ी कम है तो कैसे गुजारा होगा, कैसे ये फिल्म अपना पैसा कमाएगी, कलेक्शंस लाएगी, तो उसमें भी इजाफा हुआ है, वो भी आपको बताऊंगी बाय द एंड ऑफ द वीडियो। उसके लिए थोड़ा सा आपको वीडियो में साथ चलना पड़ेगा क्योंकि वो होगी कल की बात, यानी कि टुमारो। अब कल के दिन यानी कि 30th of April को क्या प्रेडिक्शन आने वाली हैं वो भी तो मैं आपको बताऊंगी। पहले आज की बात कर लेते हैं। आज जो है सिनारियो बहुत बेहतर है, ऑल्दो जो शो काउंट्स हैं वो दिल्ली और एनसीआर में प्लस माइनस की तरफ घूम रहे हैं, लेकिन जो टू टीयर सिटीज हैं वहां पर शो काउंट जो है वो स्टडी चल रहे हैं, जो कल थे वही आज भी हैं। तो दैट इज अ बिग डील, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई जितने हैं उससे कम नहीं होने चाहिए, विच इज अ बिग डील कि नहीं हुए। और क्या नंबर्स रहे हैं, पहले उन नंबर्स की बात करते हैं। तो देखिए डे नंबर 1 की, जैसे हम हर बार एक बार रिइटरेशन करते हैं, डे नंबर 1 को हमने जो कलेक्शन देखी थी वो 15.8 करोड़, उसके बाद डे नंबर 2 25.7 करोड़, डे नंबर 3 26.6 करोड़ करती हुई 68.17 करोड़ पर ये अपना आंकड़ा ले आई थी फर्स्ट वीकेंड पर। और उसके बाद नंबर आया मंडे 10.17 करोड़, उसके बाद ट्यूजडे 6.12 करोड़, वेंसडे 4.25 करोड़, थर्सडे 3.5 करोड़ और फ्राइडे को 2.5 हार्ट ब्रेकिंग करोड़ के साथ जो नंबर था वो पहुंचा था कहीं ना कहीं 92.17 करोड़ इंडिया नेट पर। अब आज क्या कहानी है उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। आज की कहानी ये है कि मुंबई की ऑक्यूपेंसी जो है वो बढ़ गई है पहले से। कल की ऑक्यूपेंसी 7-8% पे खेल रही थी, आज की ऑक्यूपेंसी जो है वो 10.6% पे चल रही है। शो काउंट्स 465 हैं आज, कल 483 थे। मैंने आपको कहा है दिल्ली और मुंबई में प्लस माइनस हुआ ज़रूर है लेकिन बाकी शहरों में सही रहा है, ठीक है। NCR 10.3% ऑक्यूपेंसी, कल वही 8% के करीब ऑक्यूपेंसी थी। 668 शोज इन दिल्ली NCR, कल थे 648 शोज, तो यहाँ पे थोड़े से प्लस हो गए हैं। पुणे 13% ऑक्यूपेंसी 158 शोज, कल 160 शोज थे। बैंगलोर 19% ऑक्यूपेंसी 124 शोज, कल भी इतने ही थे। हैदराबाद 16% ऑक्यूपेंसी 106 शोज, कल 109 शोज थे। कोलकाता 9.6% ऑक्यूपेंसी 156 शोज, सेम एज यस्टरडे। चेन्नई 42.5% की ऑक्यूपेंसी 14 शोज पर, कल भी इतने ही थे। बात करूंगी बुक माय शो की, जहां पर ज्यादातर लोग वो ऑरेंज ऑरेंज देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ऑरेंज नहीं तो हाउसफुल जो है वो बहुत सारे हुए हैं आज शाम के, मतलब 7:30 7:45 के जितने भी शोज हैं जो मैं अभी काउंट करूंगी
वो सब के सब हाउसफुल गए हैं, एंड दैट मींस कि अभी नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी जो है वो बढ़ने वाली है या बढ़ चुकी होगी अब तक, ठीक है। तो आईनॉक्स, अब मैं मुंबई की बात करने जा रही हूँ, पहले मुंबई को कवर करेंगे। आईनॉक्स आर सिटी घाटकोपर, यहाँ पर 740 का शो हाउसफुल हो चुका था। मुक्ता ए टू गोरेगांव 730 हाउसफुल, चेंबूर 8 PM हाउसफुल, सिनेपोलिस थाने 745 हाउसफुल, आईनॉक्स वर्ली 1015 फिलिंग फास्ट हो रहा है। ये अगर आप आसपास के एरिया में है तो इस टिकट को बुक करा लीजिए। PVR लोअर परेल 745 हाउसफुल, ये मैं हाउसफुल्स बता रही हूँ आपको। उसके बाद मूवी मैक्स सियोन 730 PM हाउसफुल, मीरा रोड मूवी मैक्स 730 PM हाउसफुल गया है, मूवी मैक्स कंजूर मार्ग 730 PM हाउसफुल गया है। बाकी विरार हो, मलाड हो, अंबरनाथ हो, अंधेरी वेस्ट या कोई भी और आसपास के ऐसे ही एरियाज हो, यहाँ पर 730-745 के शोज हाउसफुल गए हैं। मिली राहत की सांस, ठीक है। अब इसके बाद दिल्ली की बात सुनिए। दिल्ली में कहाँ कहाँ पर ये हाउसफुल गया है, कहाँ कहाँ पर फिलिंग फास्ट चल रहा है। रोहिणी, रोहिणी का शो हाउसफुल गया है अभी शाम का। PVR की बात कर रही हूँ, PVR चाणक्यपुरी, PVR विकासपुरी, सिनेपोलिस दिल्ली, गाजियाबाद 730 शोज हैव बीन हाउसफुल, ओके। PVR सुभाष नगर 820 का शो हाउसफुल, PVR लॉजिक्स नोएडा 8 PM का शो फिलिंग फास्ट चल रहा है, डिलाइट असफ अली रोड 9:30 का शो फिलिंग फास्ट चल रहा है। बहुत बड़ा सिनेमा घर है, बहुत सस्ता सिनेमा घर है, दिल्ली का बहुत बड़ा नाम है डिलाइट सिनेमाज। आईनॉक्स नेहरू प्लेस 8:05 का शो हाउसफुल फिलिंग फास्ट चल रहा है, PVR संगम 10:55 PM का शो हाउस फिलिंग फास्ट चल रहा है, PVR द्वारका में भी 10 का शो फिलिंग फास्ट चल रहा है, विच मीन्स दैट द फिल्म इज नाउ पिकिंग अप। और रात के जो नंबर्स होंगे वो हो सकता है अभी जो शेयर करूंगी उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो भैया नंबर्स क्या आए हैं, जरा नंबर्स की बात कर लो, ठीक है। तो मैं नंबर्स आपको बताती हूँ। आज का जो प्रिडिक्शन है, डे नंबर 9 ऑफ किसी का भाई किसी की जान, द फाइनल प्रिडिक्शन इज फॉलिंग समवेयर बिटवीन 3 to 3.5 crores नेट नंबर, विच इज़ नॉट अ बैड नंबर। अभी ओवरसीज से भी आएगा, कुछ ग्रॉस कलेक्शन भी आएगी, तो सब कुछ मिला के जो नंबर आएगा वो मैं आपसे कल शेयर करूंगी। लेकिन इस वक्त जो आंकड़ा है वो 95 crores तक टोटल में पहुंच चुका है, कह सकते हैं ऑलमोस्ट 95 crores ये टच कर चुका है। अब जो आएगा सिर्फ 5 crore पर गाड़ी जो है रुकी हुई है, कि सिर्फ 5 crore और कल के अगर आ जाते हैं तो 100 crores अपना जीरो इन कर लेगी। बात करती हूँ अब मैं कल की, कि कल क्या होने वाला है, कल की प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं, कल का सिनेरियो कैसा देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, एक बड़ी ही कमाल की चीज़ हुई है, बहुत कमाल की चीज़ हुई है। जितने भी फैंस हैं मेरा, ज़रा ध्यान लगा कर सुने। कल का दिन है 30th of April, जिस दिन ये फिल्म जो है अपना सेकेंड संडे देखेगी। आपको याद होगा फर्स्ट संडे 26 करोड़ का बिजनेस किया था, ऑल दो इतना बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं खुशी की बात यह है, गुड न्यूज़ ये है कि इस फिल्म को कल के दिन स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, शो काउंट्स बढ़ चुके हैं किसी का भाई किसी की जान के। तो कल जो है वो बड़ा ही एक्साइटिंग रहेगा देखना। अभी मैंने अगर देखा है मुंबई में, और कल का जो शो है अराउंड 9:45 का शो तिलक सिनेप्लेक्स डोंबिवली में, ये फिलिंग फास्ट पर चल रहा है, उसमें फिलिंग फास्ट पर चल रहा है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है। ये ऐसा है एक शो जो मैं शुरू से देखती आ रही हूँ, ये जल्दी जल्दी फिल हो जाता है, फिलिंग फास्ट पे जाता है या हाउसफुल पे चलता है। तो दिस इज अ ग्रेट ग्रेट न्यूज़ कि ये कल के दिन बहुत अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। कल के दिन क्या होने वाला है, नंबर्स क्या आने वाले हैं, वो मैं आपसे कल सुबह ही शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, फॉर नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट दिस फिल्म इज अगेन पिकिंग अप द पेस। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर टुमारो, लेट्स सी इफ इट जीरोज इन द दैट नंबर, दैट लैंडमार्क माइलस्टोन नंबर ऑफ 100 crores नेट इंडिया और नॉट। इफ नॉट देन वी अगेन हैव होप फॉर द कमिंग वीक। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होने वाला है। बाकी हर चीज के लिए स्टे ट्यून टू द चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉल स्टोरी फाइन शेयर।